मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने नवनियुक्त आबकारी निदेशकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार बीजेपी सरकार ने दिए हैं। उन्होंने नवनियुक्त निदेशकों को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम करने की सलाह दी। सपा के एक कार्यक्रम में लगे ठुमके, नेताओं को भीड़ जुटाने के लिए लेना पड़ रहा है लड़कियों के डांस का सहारा। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर लड़कियों ने जमकर ठुमके लगाए। सपा के राजनीतिक मंच पर डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत नहीं हुई। सरकार के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी का घेराव किया। वहीं चुनाव से पहले मायावती के ब्राह्मण प्रेम पर भी अखिलेश ने उंगली उठाई है। रायबरेली में हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से दो मासूम समेत महिला की दर्दनाक मौत। रायबरेली में धान की रोपाई के दौरान बिजली गिरने से दो मासूम व एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ के कई अस्पतालों पर चला प्रशासन का चाबुक। ये अस्पताल बिना किसी लाइसेंस और सर्टिफिकेट के चल रहे थे और कोरोना के इलाज के नाम पर मरीज के परिजनों से पैसों की उगाही कर रहे थे। लखनऊ में ऐसे 7 अस्पतालों को सील कर दिया गया। उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर सब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं पुलिसकर्मी। सुबोध उनियाल से पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मामले में समाधान को लेकर विचार किया गया।